झांसी जिले की मऊरानीपुर में जांच करने गए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को जान बचाकर भागना पड़ा। मामला ग्राम सिजोरा का है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार पर कई फर्जी राशन कार्ड होने की शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी महेश चंद्र गौतम जांच के लिए पहुंचे तो कोटेदार अपने दो साथियों के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पर हमलावर हो गए। मौके की नजाकत को देखकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। इस संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी महेश चंद्र गौतम ने उप जिलाधिकारी मऊ रानीपुर और जिला पूर्ति अधिकारी झांसी को शिकायती पत्र देकर कोटेदार और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बेसिकली हमने आपूर्ति विभाग में तो अपने लाल पेटी लगाई है, इसमें कोई भी शिकायत हो या पात्र की या कोई भी शिकायत हो उसको हमने वो अपने डाल सकते हैं। गाँव सिजारों के कुछ अपात्र कार्डों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई, उसमें कोटेदार के अंतर्गत कोटेदार की पत्नी गया प्रसाद के जो अंतोदय कार्ड था, तो गया प्रसाद को जब पता लगे कि अंतोदय कार्ड डिलीट हो गया तो उसने गाँव के ही एक आदमी से जो है चर्चा की और उसने पूरी प्लान की कि जैसे लोहर गाँव में कैसे कोटे जैसे की बिटाई हुई थी ऐसे ही की जाए और जो है जाते सोचे शब्दों का प्रयोग किया गया। फिर आज जो है सुबह एक फोन नंबर से जो धमकी मिली, जब हमने उससे पूछा कि भाई किसने बताया तो श्याम बिहारी गुप्ता है कचने के कोटेदार, तो उन्होंने बताया, उन्होंने ही जो है धमकी देने के लिए कहा। तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर थाना सकरान में जो है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, जिसके साथ ऑडियो और ये पूरे साक्ष्य संलग्न करेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।